अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम शौकत और ट्रेनिंग उस्ताद में मैं आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे हम एक पोर्टेबल डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे, एक का नाम है यूनिवर्सल एक्सट्रैक्ट और विनार। ये दोनों मैंने पहले से ही डाउनलोड किए हुए हैं। यूनिवर्सल ये मैंने डाउनलोड किया है, इसमें रन करता हूँ। नेक्स्ट इंस्टॉल हो रहा है अभी, ये फिनिश करते हैं। ये मेरा इंस्टॉल जो है विनार मैंने पहले से ही डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर सीडिक्स प्रोग्राम फाइल, आपने जिस प्रोग्राम को पोर्टेबल डिवाइस में कन्वर्ट करना है उसको खोलें। मैं ये अडोब फोटोशॉप सीसी 2017। सबसे पहले आप इसका रीनेम कॉपी कर लें, करके कॉपी कर लें और कंट्रोल ए सबको सेलेक्ट करके एट योर। एक बात मेरी ध्यान से सुने, कुछ पीसी जो कंप्यूटर्स हैं मतलब कोर टू डू हो गए इस तरह के, उनमें बाज़ औक़ात ये फाइल कन्वर्ट नहीं होती। तो ये दोनों स्टेप्स मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कन्वर्ट नहीं होती उसको किस तरह कन्वर्ट करना है। जो ओके, ये हो गया सबसे पहले इसे विनार बार बेस्ट क्वालिटी बार फॉर क्रिएट एस एफेक्ट अचीवर। उसके बाद एडवांस सेटिंग में आ जाएं और एस एफेक्ट्स ऑप्शन में जाएं, एक्सट्रैक्टर जर्नल सेटअप में जो हमने फाइल कॉपी की थी उसे पेस्ट कर दें, साथ ही लिख दें डॉट ईएक्स मॉडेम अनपैक आइडल और अपडेट में जाए, इस फाइल को इधर ही रखना है और अवेल कर देना है, ओवर राइट टू आर फाइल्स। ये हो गया, ओपन करें। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं कनेक्ट कर रहा, कैन नॉट टू क्रिएट अडोब फोटोशॉप सीसी एक्स फाइल। तो ये एक तरीका है जिससे अगर जिनके पीसी अच्छे हैं i3 उनमें हो जाता है। इनमें मैंने काफ़ी सारी फाइल्स प्लगइन भी की हुई है, तो बाद लैब भी, गूगल निक कलेक्शन भी और ये सब। तो इसको बैक कर दे और यहाँ से इसे कॉपी कर लें, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दे। ये मैंने पहले से ही पेस्ट किया हुआ है। अभी इसको ओपन करें, कंट्रोल ऑल कर दें, इसको एड टू अचीवर बेस्ट क्वालिटी क्रिएट एसएफएक्स एडवांस ऑप्शन, चलो लिख देते हैं टू शॉप टी एक्स मूड्स अन पैकेज आइडल से। आप उस टेक्स्ट भी लोड कर सकते हैं और उस ब्राउजर का आइकन भी लोड कर सकते हैं, आइकन जो भी आपने रखना है वो भी रख सकते हैं। चलो चेक कर लेते हैं, अगर कोई आइकन मिल जाए तो हम उसका आइकन रख लेते हैं। इसमें अभी आइकन कोई मौजूद नहीं है, तो फाइल जिस तरह मर्जी का टाइटल दें वो भी हो जाएगा। ये ओवरराइट ऑल फाइल्स ओके कर दें,
पर ओके के ऑप्शन पर आ जाए, ये देख सकते हैं कि ये फाइल अभी क्रिएट हो रही। ये फाइल हमारी मुकम्मल हो चुकी है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये अभी हो चुकी है। कट कर दें, डेस्कटॉप पर पेस्ट कर दें। अभी हम इसको रन करते हैं, ओपन। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा फोटोशॉप सीसी अभी ऑन हो रहा है, रन हो रहा है। चेक कर सकते हैं, ये ओपन भी हो चुका है अभी, और इसमें जो मेरा पीसी क्योंकि स्लो है इस वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है ये सब कुछ, इसमें ओपन कर देता हूँ इस फाइल को। ये आप चेक कर सकते हैं, जो हमने प्लग इन की हुई थी वो भी अभी चल रही है। ये चेक कर लें आप, ये सब प्लग इन्स चल रही है यहाँ पर। हमने कैरियस भी किया हुआ था वो भी अभी चल रहा है, रन हो रहा है। फिल्टर ये भी आप चेक कर लें, सभी ऑप्शन काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अगले ट्यूटोरियल के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।